मथुरा शहर की कच्ची सड़क क्षेत्र में डाली जा रही सीवर लाइन को लेकर की गई सड़क की खुदाई से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची G9 न्यूज की टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, G9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय मौजूद है हम शहर की कच्ची सड़क पर। नाम था इसका कच्ची सड़क, पक्की बनी हुई थी, लेकिन आज की डेट में ये वास्तव में सड़क कच्ची बन गई है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से खुदाई हो रही है, वो खुदाई होने के बाद पक्की सड़क को तोड़ दिया गया। और क्या कुछ किया गया ये हमें बताएंगे। क्या कुछ डाला गया है बताइए ना, यहाँ पर क्या कुछ डाला गया बताइए, क्या कुछ डाला गया बताइए। सीवर लाइन डली थी, सीवर लाइन डली थी, सीवर लाइन पक्की डल गई, सीवर लाइन पक्की डल गई। कौन से पक्की सीवर लाइन डली है यहाँ पर, इनका कहना ये है। लेकिन सीवर लाइन डलने के बाद क्या कुछ हासिल किया है आप ये देखिए, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग कीचड़ से होकर गुजर रहे हैं, मिट्टी से होकर गुजर रहे हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में सीवर लाइन डालने का इनका तुक जो समय में नहीं आता। सीवर लाइन डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि सीवर लाइन तो पहले से डली ही हुई थी, उसमें कुछ नया नहीं किया। तो उन्हीं से बात करेंगे, कुछ लोगों से यहाँ से डालने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर यहाँ क्या कुछ हुआ। सीवर लाइन डली है, पहले से डली है, पहले डली तो सड़क किस बात पर खोदी गई पता ही नहीं। क्या हमारे सभी सड़कें खोदी, आज भी खड़े ना परेशान, रात में काम ये कर सकते थे बताइए आप। बिल्कुल सही बात, सपा की सरकार होती रात में तो काम करते थे, तो अपना राज्य चला रहे सब लोग, कोई तरीका थोड़ा हुआ ये। बिल्कुल देखिए आप, बात वही आ गई, स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं सीवर तो डली ही नहीं है, तो फिर सड़क किस बात के लिए खोदी गई। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आप भी बताइए यहाँ सीवर डली है, यहाँ पर यहाँ सीवर लाइन डली है। हाँ, सीवर लाइन डली हुई थी, पहले से छोटी डली हुई थी, अब बड़ी बनाई गई। तो ये पूरा कंफर्म हो गया कि सीवर लाइन पूरी कनेक्टेड है, दोबारा नहीं खुदेगी? नहीं, बिल्कुल अभी खुदेगी, अभी प्राइवेट कनेक्शन ही नहीं हुए हैं। प्राइवेट कनेक्शन नहीं हुए, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि एक बार सड़क को बनाने के बाद जो पैसा खर्च आएगा उसके बाद फिर पैसा सब कम, सब कमीशन खोदी गए रास्ते चल रहा है। अभी प्राइवेट लोगों घरों में कनेक्शन नहीं हुए, उससे पहले सीवर लाइन को डालकर उन्होंने पूरा कर दिया है। कहा जा रहा है कि छोटी सीवर लाइन थी, अब बड़ी हो गई है, तो बड़ी होने के बाद अब इस कम से कम इतना ख्याल रखा जाना चाहिए था कि यहाँ लोगों के घरों में जो कनेक्शन है उसको पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बताइए बताइए बताइए, चारों तरफ रास्ता बंद कर रखे, अब इधर से स्कूटर नहीं जा सकता, इस गली से नहीं जा सकता, इधर भी इन्होंने खोद दिया। आप लोग यहाँ नहीं रहते? सब लोग रहते हैं। आप लोग रहते तो आप बताइए ना, इस बात को लेकर बताइए कि सीवर लाइन डली चली, छोटी से बड़ी डल गई, बड़ी डलने के बाद यहाँ लोगों के घरों में कनेक्शन है वो पूरे हुए? पूरे नहीं हुए अभी तक, नहीं हुए पूरे, और काम चालू ऐसे उल्टा सीधा चल रहा है, बंद पड़ा है सारा काम। तो पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद मीरा, वो है मित्तल, मीरा मित्तल है, उनके उनके क्षेत्र में आता है। हाँ, उनके क्षेत्र में आता है। में आपने दिलाया नहीं कि इस तरीके से सवे मालूम है, आग बंद करके बैठे हैं। अच्छा, हाँ सब अंधे। मीरा मित्तल पार्षद हैं यहाँ की, जिनका हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है। क्या देखिए आप बताइए, आप बताइए क्या, कौन झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत सुपर काम चल रहा है, बहुत सुपर काम चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही, काम चलता है तो सबको परेशानी। लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं हुए हैं, सड़क को फिर दोबारा बनाया जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा। कनेक्शन नहीं हुए, कनेक्शन किसी के नहीं हुए अभी, किसी के कनेक्शन नहीं हुए अभी, किसी के कनेक्शन नहीं हुए। सड़क खुदवाओ, नहीं हुआ खुदवाओ, दिखवाओ। और आप कहने के हो गए खुदवाओ, हम तो हमें कुछ नहीं। जब घर बनता है तो भी परेशानी होती है, जब किसी का घर बनता है तो उसको भी परेशानी होती है, पड़ोसी जो भी। गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही है, बिल्कुल सही चल। बारिश के मौसम में ही कैसा काम? अरे अब वो गवर्नमेंट करा रही है, ये उसकी ताकत है ना गवर्नमेंट की, बारिश के मौसम में भी काम हो रहा है। तो आप गवर्नमेंट की ताकत का एहसास करा रहे हैं? हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन हम जनता की समस्या का एहसास करा रहे हैं। जनता ठीक है ना, आप जनता में आए, लेकिन आपने इस तरह की बात करी जनता में से, आप लोग विरोध कर रहे हैं आपकी बात का कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये आपसे जानना चाहूँगा, ये महाशय कह रहे हैं कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ कोई अभी घरों में कनेक्शन नहीं है। चरित्र में कोई प्रमाण की जरूरत हो रहा, वो सारा इंसान देखिए, एक भी रोड नहीं है जहाँ आदमी स्कूटर लेकर निकल जाए और बे निकल जाए, चले हमारे संग, कोई सी गली में जाने घुस जाओ, मानो घुस जाओ, इधर उधर रोड पे कहीं निकल चलो आप। बताओ, बरसात के मौसम में इन्होंने ये खुदाई चालू करा दी, ये कौन सा नियम है यहाँ का? बिल्कुल, मैं ये समय से आऊँ है यहाँ पे, इतनी परेशानी हो रही है, जब माल लेके आते हैं लोग है, कीचड़ खांचा हो गया यहाँ पे, गिरंग क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है। अरे बहुत अच्छा काम हो रहा है, दिख ना रहा, जनता देख ना रही कौन सा अच्छा काम हो रहा है। तो वो हो रहा है, कनेक्शन सबने टूट गए, जितना भी जुड़वाए जा, कौन जुड़वाने आ रहा, तो मिट्टी आ रही है क्या? बिल्कुल सही बात है, यही बात है, जनता का दर्द है, जनता का दर्द है, वो अपने कह रहे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, यहाँ से सामान ले जाना पड़ता है, लाना ले जाना पड़ता है, और यहाँ से लेकर कम से कम 100 मीटर का एरिया है जहाँ से सड़क खोदी गई है और दोबारा इसको मिट्टी डालकर छुट्टी कर दी गई है, जबकि कायदा ये कहता है कि यदि आपने सड़क खोदी है और उसको खोदने के बाद दोबारा मिट्टी डाल लें तो उसको तत्काल उसके इंटरलॉकिंग सड़क जो थी उसको दोबारा बनवाया जाए,
ये जानते हुए कि ये रोड सबसे ज़्यादा चलने वाला है कच्ची सड़क का। पहले हम नाम सुना करते थे कि सड़क कच्ची सड़क है, लेकिन हमें कच्ची सड़क कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं तो वास्तव में हमें ये नज़र आ रहा है कि हकीकत में ये कच्ची सड़क है। अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मैं हेमंत शर्मा, जी9 न्यूज़।